सभी को जय मसीह की। इस सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला, अच्छी मीठी नींद दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा और इस नए दिन में परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इस दिन को ना देख पाए। प्रिय भाई बहनों, जब हम सुबह बिस्तर से उठें तो हम किसी भी चिंता के साथ ना उठें। अगर किसी वजह से, किसी अंधकार या दुष्ट आत्मा की वजह से हमारे जीवन में बुरे विचार आते हैं तो हमें उन्हें डांटना है। हमें परमेश्वर के नाम में उन्हें अपने जीवन से कैंसिल करना है। अब आप अपने जीवन में ऐसा करोगे तो देखना परमेश्वर आपके सब कष्ट और परेशानियों को दूर करेंगे। हालेलुया। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे पूरे दिन की इधर उधर की बातों से, चिंताएं, जो कोई दुख है, कोई परेशानी, हम उनको रात को सोते हैं, जब हम सोचते रहते हैं, हमें रात को नींद भी नहीं आती। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर पे हर एक समस्या को, परमेश्वर को हर एक परेशानी को सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा आनंदित रहो। जब आप अपने जीवन में आनंदित रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं तो दुष्ट और हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहो। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ है, सब कुछ, हर एक दुख को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। पौलुस कहते हैं सदा खुश रहो, तुम्हारे चेहरों से खुशी चमकनी चाहिए जो हमारे परमेश्वर की होती है, जो हमारे खुदावंत यीशु की होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं और सभी मसीह भाई बहनों के चेहरों पे अलग सी चमक आती चली जाती है। निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। आपका मन परमेश्वर में लगा रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, किचन में हो, जॉब पर हो, घर में हो, कपड़े धो रहे हो, कोई भी कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, आपको परमेश्वर की महिमा देते रहना है। परमेश्वर की महिमा हृदय से करते रहना, आत्मा में प्रार्थना में बने रहना है। और तीसरी बात पौलुस कहते हैं, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो होम बलि से ना मेल बलि से, हमारा परमेश्वर धन्यवाद की भेंट से प्रसन्न रहता है। हर बात के लिए, जो भी हमारे जीवन में होता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चाहे हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अच्छी हो या बुरी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर देगा, परमेश्वर आपको एक खुशी देगा, परमेश्वर आनंद देगा। चाहे हम कठिन समय से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे हम बीमारियों में हों, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अय्यूब परीक्षाओं में था, तब अय्यूब ने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं छोड़ा, परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ी, क्योंकि अय्यूब कहते हैं कि सुख में तो सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुख में करके देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। आज आप सोचते हो कि मैं तो बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो वचन भी पढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में भी हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, फिर भी मेरे पास दुख हैं, परेशानियाँ हैं, संकट है, कलेश हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो मसीह से प्रेम रखते हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई बात अच्छी है या सब कुछ खराब हो गया, हमें हर घड़ी हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दाऊद जब चरवा था तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था, और जब राजा बना तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था।
परंतु जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, दुख आता है, संकट आता है, कलेश आता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद भी करना है। या कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं। पर बाइबल कहती है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमें हर घड़ी हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि यही हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अति महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप महान है परमेश्वर, आप अल्फा और मेगा है परमेश्वर। प्रभु जो आप था जो आने वाला है परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की ओर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, छोटे से बड़े, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो इस सुबह को हमें दिखाने पाया है, जो इस सुबह में हमें जीवित रखे हुए है, अपने सामर्थ से हमको भरता है, अपने अभिषेक को हम पे बरसाता है, अपनी दया को हम पे बरसाता है और हमसे प्रेम करता है। उसने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की उपासना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा सहायक है, हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर अपने मुंह को खोल के तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। परमेश्वर तू है, परमेश्वर तू हमें हर एक गहराई से जानता है, तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे दुखों को दूर करता है मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। प्रभु इस नई सुबह को हमने देखा परमेश्वर, चमकती हुई सुबह को हमने देखा प्रभु, तेरी करुणा है मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को परमेश्वर अकेला महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, जो अपने दुखों में है परमेश्वर, संकट में है, कलेशों में परमेश्वर, प्रभु उन पे दया करें मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी तू उनके साथ है परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो परमेश्वर अकेलेपन में, जो बीमारियों में है परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर साथ छोड़ दिया परमेश्वर और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में कोई मनुष्य साथी नहीं है परमेश्वर, प्रभु आप हैं उनके साथ, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तू परमेश्वर तू हमारा मित्र है। हाँ मेरे परमेश्वर तू हमारा मित्र है, तू हमारा फ्रेंड है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मेरे खुदा दया कर मेरे प्यारे पिता। हम विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर निराश है, हताश है परमेश्वर, अपने जीवन के दुखों को तकलीफों को लेकर परमेश्वर, प्रभु बंधनों को लेकर सारे दुखों को परमेश्वर, प्रभु जी यीशु के नाम में हम दूर करते हैं परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। प्रभु हर एक बंधन यीशु के नाम में परमेश्वर टूट जाए। ओ प्यारे पिता दया करे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने परमेश्वर, इनकी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करे परमेश्वर। प्रभु जी दया करे परमेश्वर, दया करे परमेश्वर। प्रभु आपके सारे कार्यों में आशीष देने जा रहे हैं, आप रिसीव करें विश्वास के साथ, आप रिसीव करें विश्वास के साथ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर जन प्रभु आपके विश्वास करके प्रार्थना को रिसीव कर रहे परमेश्वर, प्रभु उनके परिवारों को भला चंगा रखे परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सब कुछ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना मेरे परमेश्वर, सब हर एक परेशानियों को सुना परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।